मंदिर और मस्जिद दोनों मिलेंगे। गुजरे का इस देश की जिस गली से मदद मिलेगी हर किसी को। मांगो या अली से या बजरंग बली से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एवी बॉक्स ऑफिस में एक बार फिर से। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की शानदार फिल्म मरजावा के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन के बारे में। और दोस्तों हम आपको बताएंगे कि इस फिल्म ने अपने प्री रिलीज बिजनेस से कमाए हैं कितने करोड़ रुपए और साथ ही साथ में फिल्म का बजट क्या है और कितनी स्क्रीनों पर इस फिल्म को रिलीज करा जाएगा। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बॉलीवुड और साउथ की बेहतरीन और दमदार अपडेट पाने के लिए आपके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारी न्यूज की तरफ, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। तो दोस्तों अगर हम बात करें मरजावा फिल्म की, तो दोस्तों ये साल की एक्शन थ्रिलर लव स्टोरी फिल्म होगी जिसके अंदर हमको काम करते हुए नजर आएंगे रितेश देशमुख सर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, राकुल प्रीत सिंह और साथ ही साथ में तारा सुतरिया जैसे दमदार और शानदार एक्टर। वहीं पर इस फिल्म को डायरेक्ट करा है मिलन मिलाप जावरी ने और इस फिल्म को प्रोड्यूस करा है निखिल आडवाणी ने। दोस्तों फिल्म का बजट बताया जा रहा है लगभग 55 करोड़ रुपए, वहीं पर प्लस में इस फिल्म का 15 करोड़ का खर्च आया है पोस्ट प्रोडक्शन और कास्ट का लेकर के। इसी के साथ में ये फिल्म कंप्लीट होती है 70 करोड़ रुपए में। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर इस फिल्म के रिव्यू काफी शानदार निकल के आए तो यकीन मानिए कि ये फिल्म काफी शानदार कलेक्शन करने वाली है। वहीं पर दोस्तों अगर हम बड़े फिल्म के प्री रिलीज बिजनेस की तरफ, तो फिल्म ने अपने सेटेलाइट राइट्स बेचे हैं लगभग 30 करोड़ रुपए में। वहीं पर फिल्म के डिजिटल राइट्स बिके हैं लगभग 15 करोड़ रुपए में। इसी के साथ में फिल्म के म्यूजिक राइट्स बिके हैं लगभग 12 करोड़ रुपए में। वहीं पर अगर हम बात करें फिल्म के थिएटरिकल राइट्स की, तो इस फिल्म के थिएटरिकल राइट्स बिके हैं लगभग 35 करोड़ रुपए में और इस फिल्म का टोटल कलेक्शन हो जाता है प्री रिलीज बिजनेस से लगभग 92 करोड़ रुपए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जहां पर फिल्म का बजट है 70 करोड़ रुपए और फिल्म ने ऑलरेडी 92 करोड़ का कारोबार कर लिया है, इसका मतलब फिल्म तो ऑलरेडी पहले ही सुपरहिट हो चुकी है। पर दोस्तों अगर हम बात करें फिल्म के एडवांस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से फिल्म को रिस्पॉन्स देखने के लिए मिल रहा है, फिल्म का ट्रेलर सुपरहिट रहा, फिल्म के सॉन्ग से हिट रहे और फिल्म के पोस्टर और डायलॉग को भी काफी पसंद करा जा रहा है, तो यह फिल्म अपने पहले दिन की शानदार ओपनिंग लेते हुए नजर आ रही है लगभग 10 से 12 करोड़ रुपए की। और अगर दोस्तों ऐसा होता है यह फिल्म अपने पहले दिन 10 से 12 करोड़ की ओपनिंग लेती है, तो यकीन मानिए कि यह फिल्म काफी शानदार कलेक्शन करेगी। वहीं पर अगर हम बात करें फिल्म के हिट फ्लॉप और ब्लॉकबस्टर होने के बाद, तो अगर यह फिल्म 45 करोड़ का कारोबार करती है तो यह फिल्म हो जाएगी फ्लॉप। वहीं पर अगर यह फिल्म लगभग 75 करोड़ का कारोबार करती है तो यह फिल्म हो जाएगी हिट। वहीं पर अगर हम बात करें ब्लॉकबस्टर की, तो अगर यह फिल्म 140 करोड़ का कारोबार करती है तो यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हो जाएगी। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस फिल्म को लाइफ टाइम कलेक्शन में कितने करोड़ का कारोबार करना चाहिए, 100 करोड़, 150 करोड़ या फिर 200 करोड़? हमें अपने ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ में बॉलीवुड और साउथ की बेहतरीन और दमदार अपडेट पाने के लिए आपके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।